हेलो बन, वेलकम टू माई चैनल एवरेज मैन ट्रेडर। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो सिग्नल बने हैं ना, पहला सिग्नल तो चलो ठीक है कि ये ओवरसोल्ड एरिया में नहीं था, हमारी जो कंडीशन है ना वो सेटिस्फाइड नहीं हुई थी। बट अब देखा जाए ना तो थोड़ा सा मार्केट जो है डबल बॉटम बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे बॉटम बना है, यहाँ पे बॉटम बना है, ठीक है। और करीबन थोड़ा बहुत देखिए ओवरबोट जोन के करीब ही है, तो यहाँ पे एक रिस्क हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिस्क लेना चाहूँगा इस ट्रेड में, ठीक है। कंडीशन पूरी नहीं बनी है बट ठीक है, मार्केट सही जगह पे है। डबल बॉटम बना के यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, और अगर देखें तो इमीडिएट सपोर्ट है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ से मेरा जो व्यू है वो अपसाइड के लिए बन रहा है, क्योंकि बॉटम भी बना है। बॉटम बनने के बाद ये बड़ी कैंडल नीचे जरूर आई है, और कंडीशन भी ऑलमोस्ट हमारी सेटिस्फाइड है, थोड़ा सा कम है। बट यहाँ पे ऐसी जगह पे रिस्क लेना सही रहता है जब यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बना है और यहाँ से मार्केट फिर से सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे मैं ट्रेड पोजीशन बनाने वाला हूँ। अभी कितने बजे हैं, 12:50 हुआ है। हम लोग जो है पहले 50% क्वांटिटी ऐड करेंगे निफ्टी के कॉल में, ठीक है। तो 25,700 का कॉल मैं देख लेता हूँ निफ्टी का कहाँ पे चल रहा है, उसके हिसाब से हम लोग पोजिशन बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा इन द मनी लेना चाहिए हमें, ओके, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ओके, हाँ ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर सकते, नीचे ही था तब भी एंट्री बन सकती थी, पर कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट करेंगे। एंट्री में बनाने वाला हूँ इस ट्रेड में, ठीक है। हम लोग जो है इस ट्रेड में एंट्री बनाएंगे, और टारगेट जो है ना वीमैप का हो सकता है। अभी तक मैंने एंट्री नहीं बनाई है, बट हम लोग इसी जगह पे एंट्री बनाने वाले हैं। एसएल का थोड़ा सा मार्जिन रखेंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है ना ये लो को टेस्ट करने जरूर आएगा एक बार, ठीक है। नहीं आता तो अच्छा है हमारे लिए, हम लोग प्रॉफिट बनाएंगे। बट मार्केट अगर इस लो के करीब आता है ना तो एक बार हम एवरेज जरूर करेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आएगा, यहाँ से मार्केट प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ निकल सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, और यहाँ पे हम लोग जो है ना थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने जो है यहाँ पे पोजीशन बना ली है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो 25,800 के कॉल में यहाँ पे मैंने पोजीशन बनाई है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि यहाँ पे मैंने क्यों ट्रेड बनाया है, बॉटम बना है, ठीक है। कंफर्मेशन है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, तो मैंने कॉल साइड की यहाँ पे पोजीशन बना ली है। अब नीचे आएगा ना इस लेवल पे, तब मैं एक बार एवरेज करने की कोशिश करूंगा, नहीं तो यही जो लॉट साइज है उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ओके। तो निफ्टी में 3 मिनट में यहाँ पे बॉटम बना है, बॉटम बनने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे का जो लेवल है वो टेस्ट करने के लिए आ रहा है। अगर ये ब्रेक करेगा तो मैं एवरेज जरूर करूँगा एक बार। यहाँ से देखिए मेरा व्यू जो है वो ऊपर का ही है, कि यहाँ से मार्केट जो है अच्छा खासा अप मूव दिखाना चाहिए, ठीक है। यहाँ से एक अच्छा खासा अप मूव हमें दिख सकता है, और नीचे आने पर हम लोग एवरेज ही करने वाले हैं, ठीक है। बॉटम बना है मतलब बायस की एंट्री हो चुकी है, बस सिंपल चीज रखना है, ओके। देखो हर ट्रेड में आप एंट्री बनाते हैं आपको प्रॉफिट दिखे ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार हमें ट्रेड को मैनेज करना पड़ता है। तो अब हम मैनेज कैसे करेंगे कि अगर मार्केट नीचे आता है, ठीक है, एक बार एवरेज कर लेंगे, उसके बाद हम लोग जो है इसमें आगे बढ़ेंगे। ये देखिए पोजीशन थोड़ी सी प्रॉफिट में आई है, ओके, और अच्छा खासा देखिए 130 रुपीज़ के करीब प्रॉफिट है। यहाँ से जाना चाहिए मार्केट, ये जो ट्रेंड लाइन है ना ये अगर ब्रेकआउट होगी तभी हमें एक बड़ा प्रॉफिट दिखेगा, और टारगेट जो है ना हमारा वी वैप तक का हो सकता है। वी वैप का टारगेट हम कंसिडर कर सकते हैं इस ट्रेड में। और देखिए मार्केट मोमेंटम बहुत ज़्यादा साइडवेज है, ओके, ऐसा नहीं मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम है, साइडवेज टाइप का मोमेंटम है। और हमने देखिए रिलैक्स होकर एंट्री बना ली है, पोजिशन अभी प्रॉफिट में है, और मैंने प्लान आपको बता दिया है कि अगर ये नीचे आएगा एक बार तो मैं ज़रूर एवरेज करूंगा, और उसके बाद मैं छोटा सा ऐसे प्लेस कर दूंगा, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग इसको ट्रेड करने वाले हैं। तो वेट करते हैं, देखते हैं इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। ठीक है, देखिए मार्केट ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखाना शुरू कर दिया है। करीबन 400 रुपये का जो प्रॉफिट है वो हमें दिख रहा है, 400-500 रुपये का प्रॉफिट जो है हमें दिख रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मैंने देखिए अच्छी जगह पे एंट्री बनाने से अच्छा प्रॉफिट होता है, ठीक है।
सही जगह पे आप एंट्री बनाओगे तो आपको ज़रूर एक अच्छा प्रॉफिट होगा। और मार्केट ने देखिए अच्छा खासा हमें 3 लॉट के साथ 500 रुपीज़ का प्रॉफिट अभी चल रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, निकल सकता है वीबैप, 1000 रुपीज़ का टारगेट हम लोग देख सकते हैं इस ट्रेड में। ठीक है, 1000 रुपीज़ का टारगेट हम सोचेंगे, 500 रुपये का अभी प्रॉफिट चल रहा है, होल्ड करेंगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, निकल रहा है ऊपर की तरफ और बहुत अच्छे से इसने देखिए ऊपर का मोमेंटम दिखाया है। हम लोग को होल्ड करना है ट्रेड को, 550 रुपये का अभी प्रॉफिट चल रहा है, जाना चाहिए ऊपर की तरफ। ठीक है, 500 रुपीज़ का अभी प्रॉफिट है, होल्ड करते हैं, देखते हैं कितना प्रॉफिट निकाल पाते हैं। बट देखिए मैंने एंट्री बनाते ही बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें दिख रहा है और मार्केट भी देखिए कितने अच्छे से ऊपर जा रहा है, 600 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, 1000 रुपीज़ के प्रॉफिट का मेरा टारगेट रहेगा, ज़्यादा नहीं। अगर यहाँ से मुझे 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखता है तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा। ओके, अभी भी देखिए अच्छा खासा है, मैंने क्वांटिटी से हाफ क्वांटिटी से एंटर किया था, अगर मैंने फुल क्वांटिटी एंटर की होती तो अभी मुझे 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिख रहा होता, पर कोई बात नहीं, हमने एक सही जगह पे एंट्री बनाई है और मार्केट देखिए एक अच्छे से ऊपर की तरफ निकल रहा है और बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें दिखा रहा है। ठीक है, तो होल्ड करते हैं, थोड़ा सा जाना चाहिए ऊपर की तरफ, तभी जाके देखिए मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट हमें दिख सकता है। ठीक है, 800 रुपये का प्रॉफिट इसने हाई लगाया है, 800 रुपये का। ठीक है, 800 रुपये का इसने हाई लगा दिया है, बहुत बढ़िया, जाना चाहिए ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो देखिए बीच वाला जो वीडियो है ना वो कट हो गया था, ठीक है, तो मैंने मेरा जो रिकॉर्डिंग है वो बंद हो गया था, पर कोई बात नहीं, देखो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया है, करीबन 1270 रुपये का प्रॉफिट मैंने बुक किया है। जैसे इसने वीबैप को क्रॉस किया मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया था, तो 1270 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है। करीबन आप देखिए तो 20 पॉइंट जो है यहाँ पे मैंने कैप्चर किए इस ट्रेड में, बीच में रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यह है सुपर अल्गो सेटअप इंडिकेटर। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी जानकारी चाहिए, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हो।